लावा बर्गर है, ये लावा बर्गर आ गया, क्रिस्पी बर्गर, क्रिस्पी बर्गर आ गया, चिकन चिकन चाउमीन आ गया, पिज्जा है, डायनामाइट चिकन, ये डायनामाइट चिकन आ गया, और मंचूरियन, ये मंचूरियन आ गया। ये पूरी डील कितने की भाई साहब? ये 25 2500 के अंदर है ये, और वैसे ये 5000 की बनती है आपके पास है। ऐसी डील आपको कोई भी किसी मार्केट में भी इंशाल्लाह नहीं मिलेगी, कराची में नहीं मिलेगी। ओहो माशाल्लाह भाई, क्या बात है, क्या बात है। ओए होए होए होए, और चीज़ है और वेजिटेबल्स है, ये देखें क्या बात है यार भाई, ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है। एक स्वीट बनाता है इसके अंदर ना, जो उसके जायके को निखारता है। ओवर कुक नहीं है, थोड़ा सा अंदर स्लाइटली अंडर कुक रखा है, क्योंकि स्टेक का मज़ा ही आता है। हमारे यहाँ तो हम स्टेक को इतना पका देते हैं कि ओवर कुक हो जाता है, जो फील है वो नहीं आती, रिचनेस नहीं आती गोश्त की। मंचूरियन देखें, ये गोश्त चिकन के बड़े बड़े पीसेस, और बहुत मज़े का यार, उसकी जो ग्रेवी है ना बहुत मज़ा कर रही है भाई। चाउमीन के सॉसेज देखें, बकायदा पूरी सॉसी हो रहा है यार। ये आप उम्र अक्सर अक्सर ना आपको थोड़ा सा खुश मिल जाती है, लेकिन इसके अंदर खास बात ये है, इसमें स्टिर फ्राई का जायका अच्छा आ रहा है, चिकन के जो पीसीस हैं वो अच्छे हैं। तो भाई जायके की तलाश हमें शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लेकर जाती है, और आज हमारे साथ मौजूद है मोहसिन भाई। चलते फिरते तो आप भी पूरे कराची में गली वली घूमते हैं, लेकिन आज जायके ने हमें बुलाया है बर्निंग ग्रिल के ऊपर, और आपको यहाँ पर आने वाला है बेहद मजा। हाँ? क्योंकि भाई आप क्या खाना पसंद? भूख तो बड़ी टाइट लगी हुई है, बहुत टाइट लगी हुई है। और आपको खिलाते हैं चिकन डायनामाइट, चिकन चाउमीन, चिकन मंचूरियन, लावा पिज्जा, नहीं यार लावा बर्गर, बिल ज्यादा तो नहीं आ जाएगा? नहीं नहीं, बिल क्या, अभी और सुने हैं क्रिस्पी बर्गर, और इसके बाद यहाँ का है भाई बड़ा मशहूर स्टेक, नहीं है जबरदस्त किस्म का, इन्होंने बड़ा यूनिक किस्म का बनाया। ज्यादा पैसे नहीं है मेरे भाई, मैं बिल 5-6-8 हज़ार 10 हज़ार तो नहीं आ जाएगा यार? आता तो उतना ही है, लेकिन कुछ उनसे डील बनवाई है हमने ऐसी कि आपका बिल आधे से भी ज्यादा जाएगा। वाह वाह वाह, फिर भूख बड़ी टेंट लगी हुई है। चले चले, चलो आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम अकरम भाई, क्या हाल चाल है, कैसे? अकरम भाई सीन ही हो गया, दोस्त आए इन्फ्लुएंसर, और मैंने उनको बोल दिया चिकन डायनामाइट, चिकन मंचूरियन, पिज़्ज़ा, लावा बर्गर, क्रिस्पी बर्गर, चिकन चाउमीन भी बोल दी मैंने। अब ये बिल तो कुछ 4-5 हज़ार से ऊपर का बन जाएगा ना, तो इसमें कुछ ऐसा कुछ करें तो कुछ बात है, पैसे नहीं है मेरे पास कम है। ये सीन तो ऐसा है कि ये 5 हज़ार का बिल तो बनेगा, लेकिन ये सारी चीज़ों के लिए मैं आपको एक डील निकाल के देता हूं। डील दोगे? वाह, क्या डील निकलेगी? सिर्फ 2500 रुपये में। 2500 में क्या क्या आएगा बताएं? जो जो चीज़ें आपने मांगी है, जो जो मांगी, चाउमीन, चिकन चाउमीन, लावा बर्गर, लावा बर्गर, क्रिस्पी चिकन बर्गर, क्रिस्पी चिकन बर्गर, मंचूरियन, मंचूरियन, और क्या मांगा था? और हमने मांगा था चिकन पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा, वाह, हो जाएगा, 4-5 बंदे खा लेंगे मजे से 2500 रुपये में। 2500 रुपये खालिद बिन वलीद रोड पे खड़ो के बर्निंग ग्रिल पे, महंगी जगह पे, अच्छा एम्बियंस होने के बाद, अच्छा ऐसी डील आपको कोई भी किसी मार्केट में भी इंशाल्लाह नहीं मिलेगी, कराची में नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, और ऐसा जायका भी नहीं मिलेगा, ऐसा जायका भी नहीं मिलेगा, और जब खाएंगे तो मुँह से निकलेगा बहुत आला, बहुत आला। तो भाई अब खाते हैं, अगर वाकई बहुत आला निकला तो निकालेंगे, वरना बुराई करके चले जाएंगे, हम आतरा नहीं करते, कोई मसला नहीं, कुछ थोड़ा बनते बनते दिखाएंगे। अच्छा मैंने एक चीज़ और सुनी, पता है क्या, आप लोगों ने कोई स्टेक भी शुरू किया, वो भी शामिल करते डील में? एक डील में नहीं होगा, लेकिन वो मैं आपको टेस्ट कराऊंगा। टेस्ट करवाएंगे यार, इनका स्टेक बड़ा जबरदस्त ऐसा है, आउट क्लास। ये तो अभी से मुँह में, इसके मुँह में पानी आ रहा है भाई, जो बनाने वाला है, खाने वाले को छोड़ो। तो अंदर चलते हैं आपके साथ, बनवाते हैं फिर खा के रिव्यू देते हैं। ओए भाई साहब, ये है स्टेक, न्यू लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, इसके अंदर स्टफिंग वगैरह है काफ़ी चीज़ों की, ठीक है, चीज़ भी स्टफ हुआ हुआ है, और ये न्यू लॉन्च कर रहा हूँ मार्केट में। सही, तो ये आपको मार्केट में मुश्किल ही कहीं पे मिले, तो ये रेसिपी हमने दी गई है, और इसका नाम जो है उसके मुंह से सिर्फ एक ही अल्फाज आएगा, बहुत आला। वेजिटेबल्स में स्टेक के साथ जाएंगी, स्टेक के साथ जाएंगे, ओके जी। सॉस है स्पेशल सॉस सिग्नेचर, अच्छा इसके साथ ही जाएगा सॉस, ठीक है, ओके भाई। स्पेशल डिश लॉन्च कर रहे हैं ये भी, और ये है लावा बर्गर, ये लावा बर्गर के लिए, लावा बर्गर, ये लावा बर्गर की सॉस है। क्या क्या मिला हुआ है इसमें? इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स हैं,
चीज भी नजर आ रही है, मुझे डाली है ना जी। मोहसिन भाई ये डायनामाइट चिकन भी आ गई और ये ग्रिल मंचूरियन भी आ गई भाई, ये देखें भाई। और कुछ बोले यार, काजी भाई इधर देखें यार, आपके लिए मंगवा लिया सब कुछ। तो मोहसिन भाई ये आ गया आपके लिए क्रिस्पी बर्गर, हाँ क्रिस्पी बर्गर भी खाना है आपने। और बोले अच्छा भाई, तो ये आ गया क्या है हमारा, ये लावा बर्गर आ गया और ये इसकी मेल्ट चीज़ है सॉस है, इसमें तो भाप निकल रही है भाई मोहसिन भाई। क्या बात है, ओह हो माशाल्लाह भाई, क्या बात है क्या बात है, ओए होए होए होए, फुल लावा है भाई, फुल लावा है। ये पिज्ज़ा आ गया आखिर में, तो जगह ही नहीं बची अब तो मोहसिन भाई, जगह बना लेते, कोई टेंशन नहीं है, जगह बन जाएगी। अरे भाई देखा लड़का बोला आज बस छोड़ के नहीं जाना कुछ। तो मोहसिन भाई ये बता भाई किससे शुरुआत करेंगे, डील से करेंगे या स्टेक से? इतनी सारी चीजें हैं, मैं सोच रहा हूँ पहले इधर से शुरू करूँ। अच्छा ये डील में शामिल नहीं है, ये अलग से लिया आपकी मोहब्बत में, आप बार बार फरमाइश कर रहे थे पहले ये खाते यार, जबरदस्त है यार, दिखाए जरा, मैंने बहुत तारीफ सुनी है इनकी भाई। ओहो हो वाह मजा आ गया यार, सबर का बन मीठा होता है, ये नमकीन अच्छा है, जितना इंतजार किया ना। इधर आप भाई देखें, और चीज़ है और वेजिटेबल्स है, ये देखें क्या बात है यार भाई, ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है और ऐसे आपने उठाना है। वाह यार, मैंने स्टेक के साथ कभी सोचा नहीं था कि स्पेनिश भी खाऊंगा। और सबसे बड़ी बात ये मज़ा कर रहा है, एक एक के बाद एक बाइट के बाद दिल करता है दूसरा बाइट ले। इसकी खास बात ये है कि जो स्टेक है ना वो ओवर कुक नहीं है, थोड़ा सा अंदर स्लाइटली अंडर कुक रखा है, क्योंकि स्टेक का मज़ा ही आता है। हमारे यहाँ तो हम स्टेक को इतना पका देते हैं कि ओवर कुक हो जाता है, इसकी जो फील है वो नहीं आती, रिचनेस नहीं आती कोई इसकी, उसमें जो सॉसीपन आ रहा है अभी इसके अंदर आपने सॉसेज इस्तेमाल नहीं की है लेकिन मज़ा आ रहा है। अच्छा इसके साथ में स्टिर फ्राई भी है और आप राइस के साथ भी खा सकते हैं वैसे। क्या इसको ऊपर से सॉस डालने के बजाय इसको बिल्कुल अंदर डुबो दो, ये डुबोए 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 डुबो दो और डुबोने के बाद इसको डायरेक्ट। हाँ 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 सॉस कैसी है, वाह वाह फिर मजा आएगा खाने का, फिर मजा आएगा खाने का। एक स्वीट पन आता है इसके अंदर ना, जो उसके जायके को निखारता है, मजा आ रहा है, मतलब यार दिल जा रहा है कि खाते जाएं खाते जाएं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चखे ना यार? नहीं यार इसके अलावा भी कुछ चखे यार, डायनामिट इसके अलावा भी आप खाएं भाई, डायनामिट चिकन खाएं यार, ये खाएं, ये खाएं सर पूरा पूरा मुंह कोले आसरा नहीं करें भाई साहब। भाई ये अगर आप अलग से डायनामाइट लोगे ना तो मेरे ख्याल से 800 या 1000 का ही है, तो डील में आपको ये फ्री में मिल जाता है तरीके से देखा जाए तो। मज़ा आ गया यार, वीआईपी है, वाह डायनामाइट चिकन बहुत मज़े का है, और जो ऊपर से उन्होंने सॉस डाली है ना उसका जो मिक्सचर कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बहुत अच्छा है यार, वीआईपी है। आ जाए भाई तो शुरू करो। तो भाई ये देखें भाई, चिकन मंचूरियन उठाए ना यार, ये वाह वाह वाह, ये मिलाएं जरा ऐसे, दिल तो नहीं करेगा आपको चावल अचार बन गया यार, यही थी। ये चिकन मंचूरियन का बड़ा अच्छा होता है भाई, चाइनीज में लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है। चावल को ऊपर में डालो और थोड़ा नीचे करो और फिर उसके बाद खाओ यार, चिकन मंचूरियन बहुत आला है। उसकी एक वजह बताऊं, कहीं भी मैंने चिकन मंचूरियन खाया है ना थोड़ा आपको मीठापन नजर आता है उसके अंदर, इसके अंदर हल्का सा स्वीटपन आ रहा है लेकिन जो उसका असर रायका है बहुत अच्छा है, वो जो वेजिटेबल्स है बहुत मजा कर रही, माशाल्लाह माशाल्लाह यार भाई दिल खुश हो गया। ये देखें यार चूरियन देखें, ये गोश्त चिकन के बड़े बड़े पीसेस, और बहुत मजे का यार, बहुत अच्छा बहुत सॉसी है यार, ये इसकी जो ग्रेवी है ना बहुत मजा कर रही है भाई, बड़े बड़े पीस हैं और ये मेरे ख्याल से कुछ 1100 रुपये का है शायद। हाँ तो आपको ये डील में सस्ता मिल रहा है। अच्छा वरना ऐसे इनके रेट हैं भाई, सिंगल लो तो महंगे, वरना डील ज़्यादा अच्छी है मेरे ख्याल से, डील तो बेहतरीन है ना यार, सारी चीज़ आपको मिल गई, चार बंदे तीन बंदे। मैंने एस्टिमेट लगाया ये 4800 का बनता है, स्टेक नहीं इसमें शामिल, और अगर ऐसे ले रहे हो तो 2500 में आ रही है यार, मेरे ख्याल से एक छोटी फैमिली यानी जिसमें 5-6 अफराद है मजे से पेट भरेंगे। अब इसको छोड़ देना यार, पिज्ज़ा नहीं खाएंगे, पिज्ज़ा तो यार आपको पता है वो तो ज़रूरी है, ले भाई पिज़्ज़ा खाएं यार, ये पिज़्ज़ा तो ज़रूरी है, ये ले भाई, देखिए फुल चीज़ से लोडेड पिज़्ज़ा है भाई ये, मज़ा आया, वीआईपी लड़का केचप रहेगा यार, हमारी केचप के साथ लगा के घर पर मजा करेगी, ज्यादा मजा करेगी ये आप। ओए ओए भाई ये वाह 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 वाह, पिज्जा भी अच्छा यार, ब्रेड भी अच्छी, मुझे ब्रेड अच्छी क्रिस्पी हो रही है और सॉफ्ट है, मजेदार है यार। अच्छा कैमरामैन का दिल ललचा रहा है, बोला फटाफट फटाफट वीडियो बंद करो ताकि मैं भी खाऊं, चिकन चाउमीन भी आ जाए ना यार, इसने क्या बिगाड़ा आपका भाई, ये बात तो है, ये देखे ना यार ये, ओए होए 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 वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है। मोहसिन भाई शुरू करें, शुरू करें, आओ
शुरू करते हैं भाई। वीआईपी ये भी भाई वीआईपी है। लवर जो है ना लवर पसंद करेगा 100% भाई। चाइनीज लवर हो ना आप तो बेस्ट है आपके लिए, बेहतरीन है। थोड़ा सा ये ना चिकन चाउमीन का तीखा है, मेरे ख्याल से उन्होंने पाकिस्तानी फ्लेवर को भी थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन अच्छा मज़ा आ रहा है क्योंकि हमें थोड़ा तीखी चीज़ ज़्यादा पसंद आती है। वैसे चाइनीज भी तीखा होता है, अक्सर लोगों की गलतफहमी है कि वो तीखा होता है। चाउमीन के सॉसेज देखें बाकायदा पूरी सॉसी हो रहा है यार ये, आप अक्सर ना आपको थोड़ा सा खुश मिल जाती हैं, लेकिन इसके अंदर खास बात ये इसमें स्टिर फ्राई का जायका अच्छा आ रहा है, चिकन के जो पीसीस हैं वो अच्छे हैं। तो लड़के को भाई मैं तो सारी चीज़ें खा रहा हूँ भाई, सारी चीज़ें खा रहे हैं यार। आप कोई चीज़ नहीं है, आपका फेवरेट क्रिस्पी बर्गर कैसे रह गया आएगा यार? यार ये एक यार ये देखें क्रिस्पी और पीछे वो लावा बर्गर भी पड़ा हुआ है। वाह बड़ा ये देखें भाई ये ओए 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 क्रिस्पी लग रहा है भाई। शुरुआत करें था शुरुआत वाह वाह मज़ा आ गया। वी आई पी फिर वी आई पी भाई बहुत अच्छा है, लेकिन डील डील है बाबा, डील ने कमाल कर दिया है। मैं सोच रहा था कि क्रिस्पी थोड़ा इनका लो होगा क्योंकि बाकी चीज़ अच्छी है, लेकिन भाई क्रिस्पी बहुत अच्छा है। मतलब अब ये बड़ा मुश्किल हो गया, मैं आपसे पूछूं सबसे अच्छा क्या, आप बोलोगे यार ये अच्छा है ये अच्छा सब माशाल्लाह। और क्रिस्पी के अंदर जो चिकन है यार वो बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, देखें सॉसेज वगैरह तो ये देखें ना ज़रा, आपको ये देखें सॉसेज इनकी खुद की बनी हुई है और ये जो चिकन का पीस है ये देखें ना यार वाह क्या बात है। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी की हुई है। हाँ हाँ एम्बियंस बहुत अच्छा है यहाँ का बैठने में और मज़ा आता है, फैमिली के साथ आराम से बैठ सकते हैं। ऐसे ही उठा यार ये देखें भाई ये फुल लावा फुल सोसी हो रहा है अंदर से, वाकई हॉट हो रहा है, आप सही कह रहे थे भाई वो गरम हवा। ये देखें भाई बीफ की पैटी है इसके अंदर और फुल टेंडर जूसी नज़र आ रहा है, अभी से ही हाथ खराब होंगे भाई, मुंह में थोड़ा सॉसेज लगेगी, माफ कर बिस्मिल्लाह करो बिस्मिल्लाह करो। ओए मोहसिन भाई हाँ भाई बेहतरीन है यार जो बीफ की पैटी है ना अंदर जो पड़ी हुई है ये देखे ना ये जरा निकालो ये देखे मेन माल तुमने जो है वो निकाल लिया अंदर से, क्या बात है टेंडर जूसी गोश्त नज़र आ रहा है। पहले तो बीफ की पैटी खाते हैं ना बस बढ़ती ना भाई। वो तुमने जो दिखा ला ना धुआं निकल रहा है, लोग देख रहे हैं बोला अकेले अकेले खा रहे हो यार इतना ज़बरदस्त खाना तुम, तो आ जाए भाई बर्निंग ग्रिल पे खाएं और डील से फ़ायदा उठाएं। अच्छा भाई ज़रा आप ज़रा इसको मिक्स करके खाएं ना, ज़रा आपकी बारी है ना मुँह गंदा करने की यार। भाई भाई इसमें ज़रा सॉसेज हाथ में लगेगी बहुत ज़्यादा है यार, घबराना शर्माना नहीं, अगर शर्माओगे तो मज़ा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। और लावा बर्गर का मतलब क्या है यार कि शर्म आपने एक तरफ रखनी है और रज के खाना है इसको। हाँ हाँ रज के मन के खाना है। और ये नहीं देखना कि बराबर में कोई बंदा यूं आपको करके देख रहा है, नहीं 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 भाई हाँ 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 लड़का बच गया भाई सॉसेस से, वाह मजा आया है वाह वाह हाथ गंदे होंगे लेकिन मुंह को तो मजा आ रहा है ना। खाना अगर आपने पसंद हो अगर खाना आपको अच्छा तो फिर शर्माना कैसा यार। तो अब ये हम खत्म करते हैं, बहुत मजा आया और सारी चीजें अच्छी है, खासतौर पर जो उनकी डील है डील तो बेहतरीन है भाई, इतने पैसों में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी खासतौर पर इस मेयार की, मतलब मैं ठीक कह रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा एम्बियंस खालिद बिन वलीद रोड पर नहीं मिलता आपको, इसके लिए पैसे आपको ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं, तो अच्छे माहौल में अमूमन तौर पर हम ये समझते हैं कि इस तरह के जो रेस्टोरेंट होते हैं जिसका एम्बियंस बहुत अच्छा होता है, हम ये सोचते हैं कि यार उनका बिल भी बहुत ज़्यादा होगा, इसका बिल नहीं आता दूसरों का आता है, तो ये आपकी मेहरबानी है कि आपने डील बता दी इनको ताकि डील से जो है लोग फ़ायदा उठा लें। बस इसकी डिस्क्रिप्शन में गूगल लिंक मौजूद होगा, वहाँ से भी आ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती कहीं और, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।